आज जत्थेदार केसर सिंह मार्ग पर स्थित शिवसेना पंजाब के कार्यालय में पठानकोट के साथ लगते हिमाचल प्रदेश के डमटाल क्षेत्र में पनप रहे चिट्टे व देह व्यापार पर गहरा मंथन हुआ, जिसकी अध्यक्षता शिवसेना पंजाब के उत्तर भारत चेयरमैन श्री सतीश महाजन ने की। उनके साथ जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं, उन्होंने भी इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर सतीश महाजन ने कहा कि कुछ दिन पहले भदरोया में दो लड़कों की मौत चिट्टे के ओवरडोज से हुई थी। पिछले कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में जाकर DIG संतोष पटियाल को एक ज्ञापन दिया था कि नशे के कारोबार को तुरंत इंदौरा क्षेत्र से समाप्त किया जाए, लेकिन कल धारीवाल गुरदासपुर से आए कुछ युवा कल फिर नशा करके बेहोशी की हालत में चक्की खड़ में मिले। उन दोनों लड़कों को कार्यवाही हेतु हिमाचल की पुलिस अपने साथ ले गई और उसी वक्त एक नशेड़े युवक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महाजन ने कहा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन के नाम से प्रसिद्ध है, वह दिन दूर नहीं जब भद्रोया, डमटाल, मोहटली, छनी बेली, यह सब कस्बे नशे के लिए मशहूर स्टेशन बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री को एक पत्र के जरिए शिवसेना पंजाब इस सारी जानकारी से अवगत कराएगी और पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने चुनावों के दौरान वादा किया था कि नशे का कारोबार मैं पूरी तरह से बंद कर दूंगा पंजाब से, वह तो कहीं भी समाप्त होता नहीं दिख रहा है। उन्होंने एक पत्र लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हिमाचल सरकार का मुर्दाबाद किया, क्योंकि नकम्मी सरकार और नकम्मे ही अफसर ने कई सालों तो चिट्टा जड़ा इस पुल के उत्ते बिक रहा, और कई बार इतने छापेमारी भी हुई है, कई बार बंदे फड़े भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिट्टे का इन्ना कारोबार है कि पिछले हफ्ते नौजवानों की डैथ हुई है और असी उस संबंध में परसों SP साहब को मिले हैं। बहुत वधिया उन्होंने आश्वासन दिता भी असं आवेंगे, लेकिन उन्होंने आन तो पहले ही एक दिन पहले उत्थे जानी कि 3-4 लड़के से धारीवाल तो जोड़े आए थे, वो उसे चिट्टा पी रहे, चिट्टा पी के ओवरडोज होने के बावजूद उसे डिगे पे से पुलिस पई है। एक हिमाचल पुलिस, दो हिमाचल पुलिस के हाथ गए ना, एक पंजाब पुलिस को दरिया टप के आ गया, लेकिन हिमाचल पुलिस ने अजे तक नहीं दसिया भी मुड़े कौन है। पंजाब पुलिस ने स्पष्टीकरण करता भी ये मुड़ा के धारीवाल का फड़िया गया। तो असं ये बेनती भी करने और वार्निंग भी दें भी अगर ये चिट्टे का कारोबार बंद नहीं होया तो बड़ा उच्च स्तर के उत्ते प्रदर्शन किए जाएंगे। ये प्रदर्शन हुण लोकल नहीं रहणगे, परसों असी प्रदर्शन हाईवे ते करांगे, हिमाचल सरकार का मुर्दाबाद करांगे, चिट्टे का मुर्दाबाद करांगे, अगर फिर भी बंद नहीं हुंदा असी डमटाल भी मुर्दाबाद करांगे, नूरपुर करांगे, धर्मशाला करांगे। अज असी मुख्यमंत्री दे नाम अपने दफ्तर च एक चिट्ठी कढ़ी आ, इस तों बाद असी एक चिट्ठी जिहड़ी आ उह PM साहब नूं कढ़ांगे। साढ़े को एक नंबर आया, असं पूरी इनकुआरी कर रहे हैं और अगर वो पता लग जाए, पुलिस वाला लिख के आ रहा, यह नहीं पता भी पुलिस हिमाचल की है कि पंजाब की है, पुलिस वाला लिख के एक नंबर आ रहा और वो आ जाता साढ़े को पहुँच जाता, सानू सूचना मिली है मेरे को नंबर आया और मेरे बेटे को नंबर कहते फोन कर देना, बेटा मेरा जाता लै आता। उन्होंने एक होर नवा तरीका लभ लिया चिट्टा बेचन का, अगे लोग पार खरीदन जाते ही, अज सवेर की सूचना कि लोग स्कूटरियां के उत्ते घर घर लोगों को फोन कर देंगे भी अं आ गए चिट्टा लै लो, अं आ गए थोड़ी गली दे विच। पुलिस जी सतर्क हो फड़न की कोशिश करे। मोड़ली तो मेरी भैन जी रेंदे आ, उनका बेटा एक बाहर जाने वास्ते तैयार सी, उसने उस रात चिट्टा खरीदया छन्नी बैली तो, ठीक है जी। उसने डोज लाया, डोज लाने ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, 90% हालत वो खराब हो गई बिल्कुल। फिर उन्होंने 12 बजे राती अमनदीप हॉस्पिटल दाखिल कराया गया, जबकि वो जान बहुत मुश्किल ना बचाई गई। मेरी बेनती है सरकार अगे भी, हर बंदे अगे भी, पुलिस अगे भी, कि आ चिट्टा बिल्कुल बंद किया जाए, बच्चों की जान बचाई जाए, मेरी बेनती है जी।